बच्चे मेरे पास फोन करके पूछते हैं कि सर आप कैसे मोटिवेटेड रहते हो या हम मोटिवेटेड कैसे रहे हमें ये बताओ। मैं बार बार बोलता हूं आपको कि आपके जिंदगी के मोटिवेशन का सोर्स कभी भी आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं हो सकता है। कभी भी आपके पापा बीमार है इस कारण से आप एसएससी सीजल नहीं निकालोगे, आपकी शादी हो रखी आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया है, डाइवोर्स हो गए हो इस कारण आप एसएससी सीजल नहीं निकालोगे। एक स्ट्रांग रीजन हो चाहिए, एक स्ट्रांग रीजन ऐसा रीजन होना चाहिए कि जब तक साला उसको अचीव नहीं कर लिया ना रुकेंगे नहीं, क्योंकि बीमारी को पैसे से ठीक किया जा सकता है, अस्पताल में इलाज करा के ठीक किया जा सकता है। अगर आज आप प्रॉब्लम है पैसे की, कल के दिन आपकी कोई लॉटरी लग सकती है, उससे आप ठीक हो सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप जुगाड़ कर सकते हैं। लेकिन एक स्ट्रांग विल पावर, एक स्ट्रांग मोटिवेशन अगर आपको चाहिए एसएससी क्लियर करने के लिए, तो वो होता है एक एम्बिशन, वो होता है एक एम जो शुरू से आपको उस पोस्ट के लिए काफी रुझान देता है, आपको शुरू से प्रिपेयर करता है। इसलिए मैं यहाँ पर साफ तौर पे बोलूंगा कि एक माइंडसेट क्लियर कर लो। आए दिन मैं आपको पोस्ट के बारे में बताता हूँ जो मुझे होता है, पूरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके लेके आता हूँ। फिक्स कर लीजिए कि भाई ये पोस्ट मुझे सेलेक्ट करना है और इसके बारे में मुझे पढ़ना, ठीक है। जैसे मैंने जब अपनी एसएससी की तैयारी शुरू की थी तो सबसे पहले मैंने सभी पोस्टों के बारे में जानकारी निकाली, ये पोस्ट है, ये पोस्ट है, ये पोस्ट है, ये पोस्ट है। और इसीलिए आप हमेशा देखोगे मेरा जो माइंडसेट है, मेरा जो फिक्स है, वो मेरा ये लोगो है कि मुझे ये चाहिए। और आपने मेरा टेलीग्राम भी देखा होगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन, उस टेलीग्राम पर भी अगर आप मेरा लोगो देखोगे तो वो लोगो आपको ये मिलेगा हमेशा, ये कैप, ये बेल्ट और ये सितारे। और ये किसका है ये अब सर्च करना आपका काम है कि ये किस डिपार्टमेंट का है। बस इतना बोलूंगा एसएससी सीजल के माध्यम से ये डिपार्टमेंट मिलता है और ये डिपार्टमेंट ही मेरा पहला नंबर है मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जब मैं एसएससी सीजल 2019 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था, तो क्योंकि मैंने इसको जिया है, मैंने इसको महसूस किया है, मैं इसके लिए पल पल सोचता हूं, ये मेरे जहन में। वही चीज अगर आपके जहन में हो तो मजा आ जाए। बच्चे आज तक पूछते हैं कि सर हर किसी के टेलीग्राम पे उनका अपना फोटो होता है, आपके टेलीग्राम पे ये फोटो क्यों है। मैं बार बार बोलता हूँ मेरे टेलीग्राम पे मेरे फोटो होने से आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, लेकिन अगर उसके जगह पर ये आ गया तो शायद एक पल के लिए आप मोटिवेशन ले सकते हैं। आपके अंदर ये झलक होगी कि भैया यहीं पर जाना है, भटकना नहीं है, ना गाड़ी लेफ्ट में चलेगी ना गाड़ी राइट में चलेगी, गाड़ी सीधी चलेगी, यहीं पर पहुंचेगी। जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक चैन नहीं लेंगे, कहते हैं ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।